जी आज नवरात्र का तीसरा दिन आया है कि तृतीयम चंद्र घंटे थी। आज के दिन भक्त माता का पूजन चंद्र घंटा के रूप में करते हैं। पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे तिविश्रोता। भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने से इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना गया है। आज के दिन भक्त जहां पर ईशान कोण में जो कलश की स्थापना किए हैं वहां पर माता का षोडशोपचार पूजन करें, वस्त्र में मां को सुनहला वस्त्र चढ़ाएं। माता का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, 10 भुजा हैं, शस्त्रादिक शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सिंह पे आरूढ़ है। भगवती का पूजन करने के बाद दूध से बने हुए खीर का और फल में केले का भोग लगाएं और ओम ह्रीं श्रीं चंद्र घंटाये स्वाहा इसका 27 माला जप करेंगे तो उनकी हर मनोकामना भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देंगे। और आज के दिन जिस भक्त के जिस जातक के कुंडली में मंगल खराब हैं तो वो अगर भगवती के चरणों का सेवन पूजन आराधना जब ये सब करते हैं तो उनकी यह मंगल की दशा महादशा जो खराब स्थिति में है वह शांत होगी और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के दिन साधक के मणिपूरक चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम ममता तिवारी है। यहाँ पे आने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और माता रानी की कृपा से मतलब कि एक बाइक प्लान बना हम लोग का आने का, बुलावा हो गया। मैं भजन भी गाई वहाँ पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला। भजन भी गाते हैं? हाँ भजन भी गाते हैं, मैं संगीत से पढ़ाई करती हूँ। स्कूल लाइन माफी मां भी तूने जो तेरी महिमा कही है सही है सही है सही है सही। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फैमिली भी आए हुए हैं? हाँ फैमिली भी आए हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।